जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं पुराने नोटों और सिक्कों को लेकर काफी बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या रजिस्ट्रेशन फीस पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए देनी पड़ती है, और जब भी आप YouTube पे कुछ भी सर्च करते हो कॉइन्स वगैरह, ओल्ड कॉइन सेल, पुराने नोट कहाँ बेचे, पुराने नोट कौन खरीदता है, रियल बायर के नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, एग्जीबिशंस में किस प्रकार बिकते हैं, तो एक ही पैटर्न हमारे सामने आता है। ये देखिए असली बायर के नंबर, हम देंगे आपको लखपति, यहाँ पे 91 लाख रुपए बता रहे हैं, यहाँ पे एक भाई साहब बता रहे हैं आपके शहर में हम आएंगे 1 करोड़ रुपए में ये सिक्का खरीदेंगे, और काफी ऐसे ही वैसे मैसेज है जिसमें लाखों के दावे किए जाते हैं। तो क्या लाखों वाले दावे सच है या झूठ, तो इसी बात की हम आज चर्चा करने वाले हैं। और क्या लाखों में बेचने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करनी होती है या नहीं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आपको किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा करवानी है। ट्रू इवेंट यही बात कहता है, रोज कहता है, एक नहीं कई बार कहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस किसी को नहीं देना है, चाहे वो पुलिस की वर्दी में आपसे कोई कॉल करे, चाहे आपके पास नॉर्मल कॉल करे, किसी भी प्रकार से आपको किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि जो भाई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लेते हैं वो 100% फ्रॉड ही होते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह किसी को पे नहीं करनी है, ना ही अपने सिक्योरिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह अपने शेयर करने हैं। अब दोस्तों आप सिक्कों की अगर रियल वैल्यू जानना चाहते हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको रियल वैल्यू बताएंगे सिक्कों की, ये रियल वैल्यू है, इतनी प्राइस में ये सिक्के एग्जीबिशंस के अंदर बिकने वाले हैं, इतनी प्राइस में ये सिक्के आपके कोई भी खरीदने का जो असली बायर है वो कोई भी इस प्राइस के अंदर सिक्के खरीद लेंगे। तो दोस्तों आपको कहीं पे जो ऑनलाइन बायर्स वगैरह है मिलते हैं, आपको काफी बायर से आपने संपर्क किया होगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं देनी है। हाँ दोस्तों संपर्क आपको करते रहना है, क्या पता कौन सा बायर असली मिल जाए। और दोस्तों नोट और सिक्कों की रियल वैल्यू आपको एक बार जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई कीमती सिक्का या कीमती नोट है अगर वो कहीं सस्ते में बिक गया तो उसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको सस्ते में नहीं बेचना है नोट और सिक्के को, जो जितनी वैल्यू उनकी 2023 के अंदर मार्केट के अंदर लाइव चल रही है उसी वैल्यू के अंदर आपका बिकना चाहिए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि उसी प्राइस के अंदर आपके सिक्के और नोट बिके। तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह किसी को पे नहीं करनी है, रियल वैल्यू जानना चाहते हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारे जो नंबर है वो वीडियो में दिए गए हैं, तो उस वीडियो पे जाके आप देख लेना, हमारे नंबरों पे संपर्क करना, हम आपसे कॉल करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे, आपको सिक्कों की रियल वैल्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे, सिक्के कौन से मिंट के जो है कीमती है, सिक्के कौन सी सन के कीमती है, सिक्कों का क्या वजन होना चाहिए, सिक्के कितने ग्राम के बने हुए होने चाहिए, सिक्कों की किस प्रकार की थीम है, सिक्कों की लंबाई क्या है, सिक्कों की मोटाई क्या है, ऐसी सारी बातों की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह किसी को पे नहीं करनी है, क्योंकि जो भी बायर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लेते हैं वो एकदम से फ्रॉड होते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह किसी को नहीं देनी है। साथ ही जैसे यूट्यूब पे दावे किए जाते हैं माता वैष्णो देवी वाला सिक्का, ट्रैक्टर वाला नोट इत्यादि जो भी है उनके लाखों में वैल्यू बताई जाती है, तो आपको वो लाखों की सपने छोड़ देने, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम है। काफी ऐसे कम नोट और सिक्के हैं जिनकी वैल्यू लाखों के अंदर है, ट्रैक्टर वाले में काफी नोट है कम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू लाखों के अंदर रहती है, और माता वैष्णो देवी वाले में बहुत कम सिक्के हैं, वो मिसप्रिंट सिक्के हैं, और अगर आपके पास उनका सेट है तो वो लाखों के अंदर नहीं हजारों के अंदर 30,000 रुपये तक बिक सकता है। पर दोस्तों आम सिक्के हैं जो लाखों के अंदर नहीं बिकते हैं, इसे आप कोई भी सिक्का ले लो वो लाखों के अंदर नहीं बिकने वाला दोस्तों। किसी भी प्रकार से आप प्रयत्न कर लो, चाहे कुछ भी आप कोशिश करोगे तो आपके सिक्के और नोट नहीं बिकने वाले हैं दोस्तों लाखों के अंदर। वो स्पेशल नोट ही होते हैं जो लाखों के अंदर बिकते हैं, और दोस्तों काफी कम संख्या में, कम से कम 10 या 20 आपको सिक्के या नोट लास्ट तक मिलेंगे वो ही सिक्के बिकते हैं। अब माता वैष्णो देवी वाले के सिक्के आप ही सोच लो, मार्केट में आपको दुकान में 5 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 5 लाख कौन देगा, तो वो सपने देखने छोड़ दो दोस्तों। अब सपनों से आप दूर चले जाओ, हकीकत की ओर बढ़ो दोस्तों। हकीकत जानने के लिए, वैल्यू जानने के लिए या तो एग्जीबिशन अटेंड करो या फिर हमसे संपर्क करो, हम आपको एक एक सिक्के की जानकारी देंगे, एक एक सिक्के के मिंट तक छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं आपको दोस्तों। पर उसके लिए
आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए, हमारे चैनल पे बने रहना होगा। हम धीरे धीरे करके सिक्कों की तस्वीरें सामने ला रहे हैं, सिक्कों की हकीकत सामने ला रहे हैं, तो साथ ही जो ऑनलाइन बायर है उनका खुलासा भी हम कर रहे हैं। दोस्तों आप ही के सामने काफी ऑनलाइन बायर से हमने संपर्क किया है, उनका खुलासा भी हमने किया है और वो किस प्रकार से नोटों सिक्के खरीदते हैं ये खुलासे भी हमने किए। तो दोस्तों आपको लाखों के सपने एक बार छोड़ देना है और एक बार हकीकत की ओर बढ़ना है, रियल वैल्यू की ओर बढ़ना है। और दोस्तों एक बार मेरे हिसाब से आप जो भी सिक्के हैं आपके पास उनको बेचने का ख्याल एक बार छोड़ दो। पहले उन सिक्कों की खोज करो कि वो सिक्के क्यों बनाए गए हैं, कौन सी मिंट के, कौन सी सन के हैं, क्या उनमें कोई रेयर कॉइन है या नहीं है जो वैल्यूएबल है, तो कौन सा कॉइन वो है जो वैल्यू लाखों के अंदर रखता है या हजारों के अंदर रखते हैं, उन कॉइन्स की खोज करो। आप आम सिक्कों को लेकर मत बैठो दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा आप सिक्कों को लेकर बैठोगे और जितने ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह फ्रॉड बायर्स के देखोगे, दावे देखोगे, उतने ही आप गुमराह होने वाले हो, उतने ही आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी और उतना ही आपके ज्यादा खर्च होने वाला है। क्योंकि खर्च दोस्तों इस प्रकार से आप कभी ना कभी किसी को रजिस्ट्रेशन फीस दे ही देते हो, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते हो तो ये ऑनलाइन बायर ये अपने नंबर प्रोवाइड ही क्यों करवाते हैं दोस्तों, उनको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, इसीलिए वो अपने नंबर्स बार बार यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो अपनी गूगल की पर्सनल साइट बनवा के उसमें प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आता है, फिर भी वो अपने नंबर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, SMS कार्ड वो लेते हैं और सारा सिस्टम वो चलाते हैं रिस्क की भरा, तो उसमें उनको कुछ हासिल ही हो रहा है, तभी वो ये सब कार्य कर रहे हैं। अगर आप उनको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं दोगे तो वो कभी भी ये आपका जो कानून है नहीं चलाएगा, आपके धंधे नहीं चलाएगा दोस्तों, वो ये सब फ्रॉड के काम करने ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो फ्रॉड को किसके साथ करेंगे, उनको खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे अगर उनको पैसा नहीं मिला। पर दोस्तों आप जैसे मेरे जैसे काफी भोले लोग हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन फीस कभी ना कभी दे ही देते दोस्तों, वो सोच लो आपसे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लिए तो पूरे दिन में उन्होंने 1000 बंदों से संपर्क किया, 1000 में से एक भी बंदे ने उनको 500 रुपये दे दिए, तो उनका एक दिन का खर्च तो हो गया, उनको कुछ नहीं करना और रहा, सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन उन्होंने पैसे अर्न कर लिए। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है कि किसी को रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, राम राम।